अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। किससे सब उम्मीद अच्छे होंगे। तो गाइस आज निकल पड़े हैं अम्मी बाबा को शॉपिंग कराने के लिए। और ये रही फोन। अस्सलाम वालेकुम अम्मा बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कहाँ जा रहे हैं घूमने? अभी किसी का आवाज़ नहीं आएगा क्योंकि बहुत शोर है ना। अभी मौसम अच्छा है इसलिए हम लोग ना निकल पड़े हैं। चलो एक बांग्लादेशी ब्रांड है जो कि उसके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल सॉफ्ट। तो इमोन में कह रही हूँ कि आज अब्बू को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। घर के पहनने वाले कपड़े जो है नरम नरम, वो मैंने मेरे फादर को बोला भी नहीं है। चलो सरप्राइज। सादिया अभी खिलाएगा, क्या कहते हैं, टिक्की कबाब नान दिखा रहा है। तो गाइज अभी हम ना वाफल की शॉप में आ गए हैं और अम्मी वाले जो है ना वो लोग तो अभी मॉडर्न चीज़ें नहीं खाते ना, तो हमारे घर भी पाकिस्तान में इतना बाहर से मंगा के नहीं खाते। टिक्के कबाब खाते हैं लेकिन इसे वाफल शफल नहीं खाते। तो इसलिए मैंने सोचा आज अम्मी वालों को कुछ नया ट्राई कराती हूँ। तो ये ढाका में एक नया खुला था तो बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे वाफल, बड़ा ही टेस्टी, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो इसलिए सोचा अम्मी वालों को कुछ ट्राई कराते हैं, लेट्स सी उनको कैसा लगता है। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा, अजीब भी लग सकता है, लेकिन बस देखो अभी क्या होता है। गाइस हम इधर आ गए हैं वाफल जो है ना वो खाने के लिए, अम्मी वालों को स्पेशली खिलाने के लिए। वो रहा उनका आ गया, चलो खाएं फिर रिव्यू लेंगे। अम्मी को नहीं था ये गरम गरम तो नहीं है, दिखाओ। मैंने और इमोन ने इतना बार खाना छोड़ दिया है तो हमने जस्ट एक लिया है, लग रहा है मजेदार। हाँ मैं खाऊँ ये, तुम नहीं खाओगे? अरे मैं तुम्हें दूंगी नहीं। अम्मी खाए टेस्ट करें कैसा लगा। मजेदार होता है, क्रिस्पी देते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बाबा आजकल जो बच्चे चॉकलेट ना। तो गाइस अम्मी बाबा के साथ लंबा वॉक के लिए हम लोग निकल जाते हैं ताकि ढाका की गलियां घूमे, ढाका घूमे। तो पापा को ना ये प्लांट्स बड़े पसंद आए, देख रहे थे कैसे रखते हैं ये पौधे। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना सेरामिक के जो होते हैं ना गमले, उसमें इसे सेल करते हैं छोटे छोटे गमलों में नर्सरी से पौधे। लेकिन यहाँ पे ना एक बैग होता है उस पे ही, मतलब पौधा मिट्टी के साथ होता है, फिर बैग घर लेके जाओ और बैग फाड़ के अपने गमले में डाल दो। तो इससे मतलब कुछ नया लगा पापा को। अभी मेरे फादर ने देखा है बांग्लादेशी जैक फ्रूट इमोन रास्ते रास्ते में। अम्मी हाँ ये रास्ते रास्ते में, हाँ ये देखो ऊपर देखो कितने सारे। ये जो है ना कटहल, बांग्लादेशी नेशनल फ्रूट है ना इमोन, कटहल। तो ये वाला ना हर जगह रास्ते रास्ते में ऐसे मिल जाता है। हम एक चोरी करके ले जाता हूँ, क्या होगा? कच्चा है ना, लेकिन ये जिसका जिसका घर होगा ना उसका ही होगा, है ना। हमें भी एक लगाना चाहिए। हाँ उठाओ तो मार पड़ेगी फिर, ऐसे रास्ते से किसी का भी ले जाएंगे तो पकड़ेंगे। लेकिन अम्मी वाले मतलब देख रहे हैं ना रास्ते रास्ते में कैसे फ्रूट्स हैं। फिर बाबा को फिर से एक प्लांट पसंद आया उधर, वो देखे। तो गाइस बारिश में हम लोग आ गए हैं सब्जियों की शॉपिंग कर रहे हैं। ये देखो अम्मी क्या खरीद रही है, ये पता नहीं कौन सी सब्जी है। ये है काकरोल, बांग्लादेशी सब्जी काकरोल। ये कभी नहीं खाई, ये आपको खिलाएंगे। ये करेला है, ये कच्चा पपीता भी खाते हैं इधर अम्मी सब्जी की तरह। हाँ 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 ना ना गोश्त में अलग से डालते हैं, सब्जी भी खाते हैं अम्मी। और अम्मी आज हमने ये खाया था, अच्छा ये है पोटल। और हम लोग वो ले रहे हैं तुराई, तुराई बोलते हैं ना अम्मी, तुराई तुराई तुराई। तो ये हमारी पाकिस्तानी तुरी, इसके साथ इसको पका के खाएंगे। चलो अम्मी वो देखा क्या है, फ्रूट है उधर जैतून, फिर ये क्या है जम्बू है ना इमर, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जम्बू इसका पेड़ है हमारे पास इंग्लिश में, मुझे नहीं पता। तो यार फैमिली के साथ वॉक करने में मजा ही कुछ अलग है। अम्मी बाबा के साथ मतलब ढाका की चीजें बताते हैं, फिर अपनी बातें करते हैं, इतने सालों के किस्से हैं वो करते हैं। तो चलते चलते बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहली बार खाएगा आंटी हमारे मिनी कुछ, मिनी कुछ का मिनी गोलगप्पा कहते हैं इसको, मिनी मिर्ची वाले, एक्सट्रीम मिर्ची वाला खाएगा आंटी। आंटी
अम्मी वीडियोस भी देखती रहती थी ना मैं गोलगप्पे खा रही हूँ, तो आज अम्मी को ले ही आई। वॉक करते करते हम लोग गोलगप्पे ही चुट 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 करके खा जाएंगे। वाफल भी बहुत अच्छा लगा, अम्मी को इतना पसंद है, अम्मी को ये पसंद आएगा क्योंकि ये स्पाइसी है। इधर बन रहा है और अभी जो है ना अभी शाम का टाइम है और भी रश होगी रात के टाइम। इधर बैठ बैठ देख रहे हैं अम्मी वाले। अम्मी कैसे बन रहा है, मजे से बन रहा है, मजा आ रहा है देखिए। अम्मी तो खुश हो रही है बच्चों की तरह, खाएगी अभी गोलगप्पा। बांग्लादेशी गोलगप्पा हमेशा वीडियो में देखते थे। हाँ तो चलो आज खुला हुआ मिल गया, वॉक करते करते तो खा लेंगे। और हमारे एरिया के ना काफी टेस्टी होते हैं तो अच्छा लगेगा। अरे पहले आंटी खाए, पहले आंटी खाए। आर्यन नाना नानी के साथ क्या कर रहा है? बोलो ब्रेकफास्ट। आर्यन बोलो ब्रेकफास्ट। ये रही हमारी चाय, चाय कड़क कड़क चाय। आज मम्मी मैंने ज्यादा पत्ती, हाँ ये इमोन बोलता है ना कड़क चाहिए, कड़क है, लग रही है कड़क, शक्ल में कड़क। आर्यन नाना को खिलाओ, डिम खिलाओ नाना को दो। अब नानी को दो, आर्यन नानी को डिम अंडा खिलाओ, नानी को अंडा खिलाओ, आ कर नानी नानी को मुंह में दो। देता नहीं है, ऐसे मस्ती करता है। अरे लाई तो ज्यादा ही मस्ती करती है। आर्यन क्या कर रहे हो, आर्यन क्या कर रहे हो, क्या कर रही हूँ बोल रहा है। तुम्हें गाड़ी ऊपर रख रहे हो फिर नीचे कर रहे हो फिर ऊपर फिर नीचे, क्या कर रहे हो? अभी तो पूरी गाड़ी बीच में आ गई, ऊपर करो गाड़ी, मत करो जल्दी जल्दी। देखो ना, ना ऊपर ना नीचे, ऐसे पूरा बीच में रख के आर्यन गाड़ी खड़ी की है। मम्मी ये ले फ्रूट, ये वो है कटहल जो हम देखते हैं ना बाहर बार बार, तो ये आप एक ट्राई करें, बड़ा वाला एक इसके अंदर, मम्मी इसके अंदर सीड है वो हटाना है, ठीक है? तो तोड़ तोड़ के खाए, ले ले एक ले खा के देखे, आर्यन को भी एक चक खिलाई, मम्मी खा के देखे कैसा है। मम्मी बोले ठीक से तो खाओ, आ कर ये रख दे उसमें, रख दे। हाँ अच्छा है, मजा आया अम्मा, कैसा लग रहा है? ये हमारा हमारा नेशनल फ्रूट है, खुशबू सूंघे, अच्छा है, मीठा भी है, और भी सॉफ्ट और भी मीठा, अच्छा है। जब ये अम्मी खाने में अच्छा है, जब कच्चा होता है ना तब सब्जी की तरह ऐसे पकाते हैं। इसका सीड भी खाते हैं दाल, दाल के साथ बहुत टेस्टी होता है। हाँ ये ड्राई होगा उसके बाद ये खा सकते हैं। ये जो फ्रूट है ना ये फुल प्रोटीन है, प्रोटीन है, हेल्दी हेल्दी सेहत के लिए अच्छा। इतना बड़ा कच्चा है ना, उसे छोटे छोटे करके मजा आया, बांग्लादेशी नेशनल फ्रूट, इंडिया में भी मिलता है ये। तो गाइज आज के दिन बड़ा ही मजा आया, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई कराई अम्मी पापा को। और आज ना मुझे कपड़ों की शॉपिंग करनी थी कुछ, लेकिन होता है ना कि बस आप सोचते जो हो वो हमेशा नहीं होता, तो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी दिन लेके जाऊंगी बाबा के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे, तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स में आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하게 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 형제 진행형 같아